संभल व बुलंदशहर जिले के बीच में स्थित गंगा इन दिनों अपनी बदहाली पर व्यतीत हो चली है। मानो गंगा मैया खुद किसी भगीरथ की राह देख रही हो। हम बात कर रहे हैं राजघाट गंगा की। मौजूदा हालात यह है कि गंगा स्नान घाट से कई किलोमीटर दूर चली गई है। श्रद्धालु दूर पैदल चलकर गंगा तक पहुंच पा रहे हैं। प्रमुख घाट बरबाला गंगा घाट का है, जहाँ गंगा सूख गई है। गंगा में पानी आना बंद हो गया है। गंगा में पानी घटने के साथ पीछे से गंगा में पानी नहीं आ रहा। गंगा की मेन धार बुलंदशहर जिले के राजघाट की ओर बह रही है। बरबाला घाट पर पानी आना बंद होने के बाद गंगा की स्थिति तालाब जैसी हो गई है। काफी समय से जल रुका हुआ है। पक्के घाट की जगह तमाम श्रद्धालु करीब 1 किलोमीटर चलकर दूर बने नए अस्थायी घाट पर स्नान को जाने लगे हैं। जाकर ये घाट गहरा, तेज बहाव वाला एवं असुरक्षित है। इधर मगरमच्छों के होने की भी बात लोग कहते हैं। उधर पक्के घाट पर ताजा पानी न आने से घाट पर रहने वाले साधु, महात्मा और दुकानदारों को जहां रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। लगता है कि गंगा को एक और भगीरथ की तलाश है, जो पतित पावनी गंगा को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुँचा सके। कहाँ रहते हो आप? तो आज ये गंगा नहाने आए हैं, आप कहाँ पे नहा रहे हैं? कौन सी जगह है ये? राजघाट। राजघाट है? हाँ। ये कच्चे घाट पर क्यों नहा रहे हैं आप? कच्चे घाट पर जली नहीं है पक्के घाट पर। कब से चल रही है? 4-5 महीना। तो कितना चलना पड़ा आपको पैदल? फालतू 1 किलोमीटर। आपका योगेंद्र नाम है। योगेंद्र भैया कहाँ रहते हैं आप? हमारे पास न्यूरोलॉजी। आज कहाँ पे आए हैं आप लोग? राजघाट गंगा नहा। तो ये किस घाट पर नहा रहे हैं ये बताओ? राजघाट। राजघाट है? हाँ। जिस पक्के घाट पे क्यों नहा रहे? पक्के घाट पे जल नहीं है। जल नहीं है? हाँ। कब से दिक्कत है ये? कम से कम मान लो इसे 4-5 महीना। 4 महीने लगे। तो आपको यहाँ तक कितने चल के आए हैं पैदल और फालतू कुछ चलना पड़ा है? चले होंगे 1/2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मान लो। 1 किलोमीटर दिक्कत हुई होगी? हाँ।